और आज करीब जिन लोगों को कामयाबी की जमानत दे रहा है उनमें अगर अपना नाम दर्ज कराना है तो रफ्तानी नमाजी न करो, पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहो नमाज करो, जब तक जिंदा रहो नेकू काम बन के जिंदा रहो। एक सच्चाई ये बताई गई सूरह कि मोमिनीन के नाम से सूरह बनी, सूरह मोमिनीन और सूरह, और फिर कहा गया और वो मोमिनीन कामयाब है, दूसरी पहचान कामयाब होने वाले जो लाहो रईस से बचते अल्लज़ीन हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, और कहा वो मोमिनीन जो लाहो से जिसको वजूद से फालतू कामों से गुनाह माशियत से परहेज कर अपने आप को बचाते। अब यहां वो लोग निकल गए जो चंद्रमा हाथ में लग सकता जो काम में वह हमें सुनते बिल्कुल गाने नहीं बन सुनते जिनका बुरा हाल होता अल्लाह आज भी एक साहब को कहा करवाने की तोहफी हुई किसी गाने की बुनियाद पर, उन्होंने ऐसा खुफिया गाना गाया और पसंद किया लेकिन अल्लाह ने उनको तौफीक से दौलत की गुहार है तो कहा मदद के लिए हाजिर की और मैं गाना गाना फिर देखना अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता। तो मैंने कहा कि आपके साथ वो कहीं कुछ गाने बताएंगे जो आपने गाया था, तो उन्होंने वही कलियां बताई जो सराहतन कुफ्र आदमी को काफिर कर, जैसे एक पुण्य से एक आप समझाने और ऐ नौजवानों दुनिया में तुम जवान रहे तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं हो, एक दिन तुम्हें भी यहां से जाना है, अगर ईमान पर गए तो खुशखबरी है और ईमान इन गाने वालों को नजर करती है, ईमान इन फिल्म वालों को नजर करती है, ईमान कहीं फेंक के गए तो तुम्हारे लिए बुराई है, तुम्हारे लिए तबाही है, बर्बादी है, वो चीज है जो तुम्हारे ईमान को अटैक करती है, नुकसान पहुंचाती है। क्यों तुम उसके करीब जाते हो? नहीं आप तहज्जुद गुजार हो सकते, नहीं आप इबादत गुजार हो सकते, नहीं आप हामिद और साहिब साहिब बन के अपनी जिंदगी गुजार सकते, तो कम अज कम इन फालतू कामों से तो बचो। गाना सुनने के लिए कौन सकता, फिल्म देखने के लिए कौन सकता? तो उन्होंने बताया इंसान को कहा कि मैं ये गा सकता कि कुदरत ने बनाया होगा जिसको कोई शख्स से ले लिया ऐसा। मैंने कहा उसके बाद दूसरा उसको बताया रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी है जहां ये सब कानून की कड़ी है जिनको पैसे भरने दूसरे हैं अपना पेट भरना है गाना बनाया पेट उनके तो दिन आ गए वो बांधा हो उनको क्या करी है तीनों ईमान की, लेकिन जो इनको गाएंगे गाना छोड़ दीजिए जो सुनकर सिर्फ पसंद करेंगी वो भी काफी गाना भी छोड़ दी वो गाना बज रहा है तो प्रिया आपने सुना जबान भी नहीं चलाया मन में क्या पसंद कर तब भी ईमान चला जाएगा, बीवी निकाह से निकल जाएगी, बयान टूट जाएगी, आमाल साफ हो जाएंगे, उस की पहले में तुम्हें दर्द कर दिया जाएगा। अरे लोग तबाहियों से बचो, कुरान करीम कहता है अल्लज़ीन हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, वो लोग कामयाब हैं वो मोमिनीन जो इन इसको वजूद से और इन नाजाई वो हराम कामों से अपने आप को बचा मुअरिदून बचा दे, इन चीजों से तुम्हें बचाने की जरूरत है, अपने आप को जो बचा दे वो कामयाब है। और फिर इसी सूरह मोमिनीन में आगे कहा गया वो मोमिनीन कामयाब है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, वो मोमिनीन कामयाब है जो ज़कात चुकाते अपने आप को ज़कात चुकाते। सरकार को कहा गया कि माल पर मैं आप मुझे बताए कोई आदमी कर्जित महिला होता है तो वो कहे कि मैं नहीं आऊंगा वरना कुछ व्यायाम करें मेरे जिस को हल्का हो जाएगा, किस पिता मैं
शानदार कीमत वाला साबुन है, महंगा वाला साबुन है, कोई गए बगैर साबुन के नहाने के कारण से मैं नहीं कर सकता। अच्छा साबुन चाहिए जिस दिशा में दूर करने के लिए। सुनो और आपको हदीस में यह है, ये सका आपके माल का मैल है, अगर माल का मैल नहीं निकालोगे तो पूरा माल होता हो जाएगा। जैसे जिस्म को नहीं भूलोगे, मैल साफ नहीं करोगे तो पूरा जिस्म गंदा होगा। कपड़े का मैल नहीं निकालोगे तो पूरा कपड़ा गंदा होगा। बर्तन का मैल नहीं निकालोगे तो पूरा बर्तन गंदा होगा। ऐसे ही सका का मैल नहीं निकालोगे तो पूरा माल जो है माल का मैल नहीं निकालोगे तो पूरा माल गंदा है। आपके लिए नादायक होगा, आप मुझे होंगे और सरकार वही मानव स्वभाव होता है जिसमें से सकात नहीं निकाली जाती, जिस मान से सकात नहीं निकाली जाती है वही मान तबाह होता है। कहीं ना कहीं जाके वो बर्बाद, कहीं ना कहीं वो जाके डूब जाता, चाहे आप ही के हाथों से डूब गए या आपके बच्चों के हाथ या किसी के हाथ, कहीं ना कहीं डूबेगा या कहीं ना कहीं। इसलिए जमीन डर सकती है, आसमान डर सकता है, इनाम बदल सकता है, मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता। मुस्तफा ने जो कह दिया वो होगा। वह लोगों अपने माल को तबाही से बचाने के लिए शौक से सकात निकालो और ये शौक रखो कि खुदा हमें और दे, हम और सकात निकालो। खूब सकात निकालो, इतना निकालो कि कोई गरीब न रह जाए, इतना निकालो कि कोई मदरसा मुदरस न रह जाए हमारी कौम में। इतनी सकात निकाले मौला हमें तो यह हौसला शौक रखने। आज आप देखते जिस अगर मुसलमान आज अपने कारोबार के नीचे ऊपर उचार सतह में लगा रहता है, कभी देखा पुरुष पर है जनाने वाला, थोड़े ही दिन में मुंह बनाने चले आ रहे तो बर्बाद हो गया। ऐसा हो गया कोई ना कोई वजह होती है। आप इस पॉइंट पर आगे पत्ती में तो की ले जाऊंगा, सिर्फ इतना अर्थ करूंगा इस पॉइंट पर आप सहाफा को बल्कि यूं कहो दुनिया को तिजारत का सलीका इस्लाम ने दिया। दुनिया को तिजारत का सलीका पहले इस्लाम ने दिया है, मुसलमानों ने तिजारत को आगे बढ़ाया है। तिजारत के उन्वान पर हमारी किताबें भरी हुई और कहा गया जो सही मानों में ताजिम है, सरली का पाबंद का शरीयत मुताहरा के हैदराबाद से जो तिजारत करते हैं, कल कयामत के मैदान में उन ताजिरों को शहीदों के साथ जन्नत में ले जाएगा। तिजारत को बिजनेस करना ये कोई ऐड की बात नहीं, इन्हें तकवा के खिलाफ ना परहेजगारी के ना बुजुर्गी के खिलाफ और ना ही इबादत उतारी के खिलाफ। ये सही मामलों में ताजिर इस्लामी ताजिर है। आप कयामत में देखेंगे शोहदा के साथ वो जन्नत में करोड़ तिजारत करने से मुल्क का नाम रोशन करता, मुल्क तरक्की करता, तिजारत करने से घर तरक्की करता, तिजारत करने से कौम तरक्की करती है, तिजारत करने से पूरी सोसाइटी तरक्की करती है। ताजिर बनो और वो भी हासिल करो जिससे तुम तिजारत के एक नंबर पर जा सको, सबसे आगे बढ़ सको, तिजारत का सामान अपने हाथ में ले सको। कोई मान तिजारत इस्लाम ने इसको बड़ा फरोग दिया है और वो हमारे नबी ने इसको सुन्नत करा दिया है। इस पर खुद सरकार ने अमल किया, तिजारत कोई गलत चीज मगर क्या है कि तुम उतार चढ़ाव नुकसान लाभों की बर्बादी ये सारी चीजें जो आज हमें देखने को मिलती हैं, हम किस पॉइंट पर जब सहाफा को देखते हैं तो कहीं हमें नजर नहीं कि उनके सामने ऐसा करता था, बल्कि व्यवहार की तरह मिलती है। रखू आपसे सीधना उस्मान गरीब जो बाबू के बारे में बताया सरकार की कारोबार में आधी रात से एक दबाव मान की आमद वापस आएंगे।
आमदे मां बहुत है, तो आप फरमाए कोई तो उठा दे ले कि क्या हो जाए, ऐसा देखा है नहीं होता। जबकि वो उस्माने नहीं सखावत में इस्लाम में करे पड़े उनका, जब मदीने से किसी के पास कुछ नहीं होता, जब जंगों के लिए मुजाहिदीन के लिए कुछ नहीं होता, तो एक एक हजार माले तजावत से लदे हुए दीन की राम में हजरत उस्मान के जब देखे जंगे तो अब तक के मौके पर आप सरकार ने मुजाहिदीन की मदद के लिए कहा हजरत उस्मान गनी के एक हजार अलबत्त उनके शाम से मारे बिजार देकर आ रहे थे, अभी मदीने की मार्केट में उतरेगी आ रहे थे, माल मार्केट में नहीं पहुंचा कि सरकार ने बताया कि दीन की राह में खर्च करो मुजाहिदीन की मदद करो। उस्मान गनी ने कहा सरकार जो भी आए हैं माले तजारत लेकर सब मुजाहिदीन, यह है उनकी कभी कभी हम देखते हैं गाँव पर सरकार करते वहां कायम करता है। तो एक अंसारी का एक महाजिद को भाई बना और उन्होंने शौक से एक महाजिद को अपना भाई बनाया, बीवियां दो की एक को तलाक किया, दूसरे ने महाजिद भाई के निकाह भी कर काम दो थे तो एक उनको देख दिया, प्रॉपर्टी में सबके भाई की तरह इनके नाम बना दिया, ऐसा ने नाम सबका जाते रहे सब हमारे गजल में कायम किया। एक सहाबी कालेबन करने से पहले वो भी एक अंसारी के भाई पर आप दिए थे, भाई अंसारी भाई ने कहा कि भाई तो ऐसा है कि जो है सरकार ने आपको मेरा भाई बनाया, ये बड़ी किस्मत की बात है कि हुजूर ने आपको मेरा भाई बना दिया, मेरी दो बीवियां हैं एक को तलाक देता हूं आप उसके लिए काम कर और ये जो मेरी प्रॉपर्टी है आप किस तरह जाने आपके लिए है जो बात करके ले आप अपने तौर पर मैं जिस तरह आप चाहे पैसा मैं करने के लिए देता और फरमाया कि नहीं भाई लोगों को थोड़ा मौका था आपके पास कुछ लफ्ज मौजूद थे गए मदीने की मार्केट में पहुंचे और उसी रंग से आपने तेल खरीदा, तेल खरीद कर रोड पर खड़े रहकर उसे बेचा, फिर जो माल आया उसे फिर तेल खरीदा, फिर उसे बेचा, ऐसे ही कुछ दिन करते रहे, यहां तक कि अल्हम्दुलिल्लाह शानदार ताजी और बेहतरीन मालदार बन गए और भाई का शुक्रिया अदा किया, कहा आपने दिया मुझे मिला अब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। प्यारे नबी के दीवानों ये है इस्लाम, हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमें किस तरह की राह पर चलनी चाहिए, सहाबा की जिंदगी में हमें वो तबाही नजर नहीं आती जो आज और जिससे हमारी अपनी अपनी कमजोरी है। अल्लाह करीम अपनी तरफ से हम सब की सलाह फरमाए और हमें शरीयत मुबारक पर अमल करने की कोशिश करना फरमाए। सूरह मोमिन के सही ही आयत है कि जो बिल्कुल जिक्र है और मक्के में भी आंधी चलती थी सलाम और मदीने में भी अंदर अंदर से होती कुछ प्लानिंग करती है। एक ग्रुप मदीने में जोर पकड़ा वो मुनाफिकी का ग्रुप था, अब्दुल्लाह इब्ने उबै का ग्रुप था, जाहिर के टोपी साफा दाढ़ी बा नमाजी परहेजगार मुजाहिद सब नजर टुकड़ी के अंदर छुपे रहते। इस तरह से एक ग्रुप मदीने में से जा हुआ मुसलमानों की जड़ों को तोड़ कर कि जाहिर में मुसलमानों के साथ रहकर उनसे राज मालूम करो प्लानिंग मालूम करो और फिर यहूदियों को बताओ ताकि मुसलमानों को हम अब जहां चाहे वहीं तक पहुंच लें और उनको आगे बढ़ने से हम रोक सकें। इस तरीके से मुनाफिकीन का एक ग्रुप पैदा हुआ जिनका बयान कुरान करीम के पहले ही पाने में वादे तौर पर कर दिया गया है और यह सूरत भी है आगे आएगी जो मैं बताऊंगा सूरह मुनाफिकून सूरत ही है आप वो आएगी तो मैं अर्ज करूंगा। अल्लाह एक मुनाफिक विश्व नाम का एक मुनाफिक था
एक यहूदी ने उसका झुका जमीन के बाद यहूदी ने कहा कि ऐ मुसलमान सुन, ये फिस्तानी नाम के हार मुसलमान का लोग इसको मुसलमान लेकिन अंदर से कहा तो यहूदी ने कहा कि अरे विश्व तू मुसलमान से करना पड़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह दीन कबूल किया है, मैं उनका दीन कबूल नहीं किया हूं, इस्लाम नहीं आया हूं, पर इतना जानता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करते हैं वो बिल्कुल सच्चा है। और मैं ही नहीं कहता, पूरे कुफार उसने की तमाम यहूदो नसारा यही कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फैसला करते हैं तो मीज़ान अदल पर रखकर वही फैसला करते हैं जो हो लगता है। लिहाजा है विश्व मैं चाहता हूं कि हम दोनों लड़ाई न करें, चले उनकी बात काफी उनकी अदालत में रखते हैं और ये फैसला हो जाए। विश्व क्या कहता है वो जानता था, ईमान का नाम वो जानता था कि फैसला तो मेरे आदमी होगा, तो कहता नहीं उनके पास ना चलो, आप भी नशरत यहूदी के पास चलो वो अच्छा फैसला करेगा। यहूदी ने कहा देख कर देख आप भी नशरत यहूदी है और मैं भी यहूदी हूं, लेकिन मैं जानता हूं वो रिश्वत खोर है, वो अमानतदार नहीं, उनके पास फैसला के लिए नहीं जाऊंगा, तू अपने नबी के पास फैसला के लिए क्यों नहीं चलता, मार उसके मुंह पर तमाचा और जिनो आप ले ना आता हूं वार्ता में पहुंचा। ये गुना दोनों ने अपनी अपनी लड़ने रखी, हुजूर अली सलाम ने जो होगी क्या हमने फैसला कुरान करीम में इसका बयान, हुजूर अली सलीम को मैं खुद हुजूर ने फैसला फरमा, जब फैसला हो गया बारगाहे हुजूर दोनों चले तक ये विश्व क्या बोल रहा है अदालत पालकी में भी चले फैसला हाई कोर्ट से कर दिया गया तो यहां न जाने की क्या, मगर काम नहीं अभी फारूक आदम के पास है, फारूक आदम के पास है तो विश्व ने कहा फैसला के लिए आया और जमीन में लगा है। यहूदी ने मौका निकाल के कहा उमर ये फैसला हुजूर की बादशाह से मेरे हाथ में हो चुका, बादशाह हुजूर से मैं मुकदमा जीत चुका हूं, अभी आपके पास आया है फैसला लेने के लिए, फैसला करते वक्त मुकदमा बना कौन आप समझ लीजिए इतना फारूक आलम ने कहा बात होती है सरकार के फैसला के बाद ही मेरे पास आया है तो मैं फैसला कर दूंगा अभी तक घर के अंदर कुछ भी नहीं करते बहुत चला नहीं सकता बर्दाश्त नहीं करते थे सरकार का तो दूर की शान के खिलाफ कोई बोल दे जो उम्र को बता तो सरकार का निशान हो गया कम से निठान एक दूसरे से कैसे बेखबर हो गए बालों के आदम सरकार की मोहब्बत में इस तरह मस्त हो गए कि तलवार गले में लटका दिया मदीने की गली में निकल गए और आवाज देने लगे कोई है जो मेरे नबी को मुर्दा कहे, अगर किसी ने मेरे नबी को मुर्दा कहा या कहने की हिम्मत है तो सामने आओ कहो मैं अभी फैसला कर दिया, कोई बाहर नहीं निकला, इसीलिए तो मैंने सुनना साफ साफ कह जो नबी को मुर्दा कहने वाला ग्रुप है उनसे साफ कह के जब उमर मदीने में आवाज दे रहे थे तब तुम कहा वो जो सिद्दीक के अकबर भी थे फारूक के आदम भी थे उस्मान गनी भी थे हजरत मौलाए कायनात भी थे हसन हुसैन भी थे जलीलुल कद्र असहाब मौजूद थे सब की मौजूदगी में सैयदना उमर ने देखा मगर किसी ने उनकी मुखालफत नहीं की। जब सहाबा ने नबी की हयात को माना नबी का नबी कब्र अनवर में जिंदा है उसे माना तो तमाम उम्मत की यही जिम्मेदारी है कि नबी को जिंदा नबी दारे पानी से दारे जावेदानी की तरफ नबी कर गए हैं अपनी कब्र अनवर में ऐसे ही जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा है, बाकी कदे हयात दुनिया भी नबी अपनी कब्र अनवर में जिंदा है यही नवाबा से चलता हुआ अपनी
हट गया उस बाबा के दीन से, जमाते आदम से, मतलब अहले सुन्नत से हट गया, वो अपना ठिकाना जहन्नम देख रहे, वो अपना ठिकाना जन्नत में कभी पाने की कोशिश ना कर रहे। खैर सैयदना फारूक आजम ऐसे काफी फैसला कर देता हूँ, बहुत प्यारे अंदाज में बयान आया सुबह आप तस्वीर से गए और तलवार इधर आए का फैसला चाहिए विश्व का कर दिया था, उन्होंने कर दिया पर आप भी फैसला कीजिए, तो उठाई तलवार मारा सर अलग कर दिया, सर अलग कर दिया का फैसला। अब कभी पता नहीं इतना कहना था इतना फारूक के आदम ने किया हम बात उम्र ने मुसलमान को पक्ष कर दिया। अब सात लाख की मान्यता जान का बदला जान देना पड़ेगा। उमर ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है, इस तरह से चला बना करके अब इनका क्या होगा। ये मुकदमा बारगाह रिसालत में पहुंचा, सैयदना फारूक आजम को बुलाया गया, वो अपने घर से चले, वो बोले जिंदा जिंदा से चले और फैसला लेकर आए कि महबूब जो कुछ उमर ने किया है जो कुछ उमर ने किया है सही किया, जो महबूब के फैसले पर राजी ना हो बताओ उससे राजी नहीं है और वो मोटी नहीं है कि धरती पर रहने के काबिल नहीं है। उमर ने जो फैसला किया बेटर है। बयान तपासियों आपको मिलेंगे, इन्हीं तलबार पर आपसे सबको आपकी दुआएं चाहते हुए असलाम वालेकुम।